हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको कल्पा की बहुत डेंजरस रोड दिखाई थी और पूरी रोड उस व्लॉग में कवर करी थी। तो अब आज हम लोग निकल गए हैं रिकोंगपियो की तरफ और हमें जाना है चिटकुल, वो हमारी मेन डेस्टिनेशन है। तो अभी मैं जो खड़ी हूँ वो हूँ दुनी गाँव में और यहाँ से भी व्यू देखिए बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे हम कल्पा से व्यू था। तो हमें रास्ते में जो भी व्यू पॉइंट दिख रहे हैं हम वहाँ पे गाड़ी रोक कर पहले व्यू को देख रहे हैं, अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप लोगों को देखने की यहाँ पे फ़ोटोज़ कैसी आती है, बहुत ही पिक्चरस विलेज है ये, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, मेरा हैंडल है ट्रैवल पब्लिश। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि पहाड़ों में जो बस ड्राइवर हैं वो कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। तो उनकी स्पीड देख करके सामने से जो भी गाड़ी आती है उसको एक मिनट के तो डर ज़रूर लगेगा। तो जब भी आप पहाड़ों में ड्राइव करो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जगह मिलने पर इस बस ड्राइवर ने हमें भी पास दे दिया था। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं ब्रिलांगी मॉनेस्ट्री में। ये मॉनेस्ट्री पड़ती है रिकोंगपियो और कल्पा के रास्ते के बीच में ही। तो इसके बाद अब हम लोग निकलेंगे रिकोंगपियो की तरफ। रिकोंगपियो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है और यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छा है जैसे ऊपर से था। बहुत शांत लग रहा है मुझे, यहाँ पर कोई टूरिस्ट और है भी नहीं हमारे अलावा। तो ये मॉनेस्ट्री 1992 में बन के कम्प्लीट हो गई थी। तो अब हम लोग निकलते हैं हमारे दूसरे स्टॉप की तरफ। तो पीछे अभी हमने रिकोंगपियो की पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी है और ये पेड पार्किंग है, हमने 30 रुपीज़ पे कर दिया है। तो रिकोंगपियो के पूरे सराउंडिंग में ना स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं चारों तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पूरे 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 माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं यहाँ पर। तो ये फ्रंट वाले तो अभी हमें हमारे होम स्टे से बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन इस तरफ वाला अब यहाँ से मैंने देखा, नोटिस किया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की रिकोंगपियो की मार्केट। और ऊपर हिमाचली हैंडलूम की शॉप, अगर आप लोगों को कुछ ख़रीदना है तो यहाँ से ख़रीद सकते हो। इस टाइप के आइटम सब अपने फैमिली या फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट ले जा सकते हो। तो मुझे एक ढाबा दिखा है अभी, तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। हमने मंगाया है तंदूरी आलू के पराठे, ऑमलेट, और इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया है मक्खन, अमूल का ये, और रायता, और साथ में भी हमने बोली है दो चाय। बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। तो गाइज आप लोग यहाँ पे चंद्रिका देवी टेंपल भी विजिट कर सकते हो। हम लोग जब कल्पा से आ रहे थे तो हमसे वो टर्न मिस हो गया और उसके बाद हम लोग काफ़ी नीचे आ गए, फिर अब लेट भी हो रहा है तो हम सोच रहे हैं अब हम निकलते हैं चिटकुल की तरफ।
तो गाइस इस मार्केट से स्नो कैप्ड माउंटेन्स का जो व्यू आ रहा है ये देखिए कितना अमेजिंग है। और साथ ही में मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा अगर आप भी इस तरह की किसी जगह में पहले जा चुके हो जहाँ से मार्केट से इतने सुंदर पहाड़ दिख रहे हो। भैया ये वेजिटेबल का नाम क्या है? इसका नाम है गंडियाली। गंडियाली तो इसको यहाँ पे कहते हैं गंडेली और हमारे यहाँ उत्तराखंड में इसे कहते हैं गडेरी। तो ये आपको सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा। तो हम लोग अब निकल रहे हैं चिटकुल के लिए और लोकल्स ने बताया कि जो पीछे पहाड़ है इसके पीछे ही है चिटकुल। तो रिकॉम्पियो से चिटकुल तक का टोटल डिस्टेंस है 64 किलोमीटर्स। रिकॉम्पियो माउंटेन के टॉप में है और डिसेंट करते ही हम लोग पहुंच गए थे सतलुज रिवर के किनारे। और आप जैसा कि देख सकते हैं कितनी स्मूथ रोड है तो इसलिए हमें ड्राइव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और थ्रू आउट हम अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे थे। तो गाइज अगेन एक और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ से सतलुज रिवर का देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। बट एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ट्रेंड नहीं होते हैं यहाँ पे या फिर जिनको थोड़ा सा भी डाउटफुल हो ना कि अगर आप लोग नहीं चला पाओगे पहाड़ों में गाड़ी तो बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि देखिए नीचे कार गिरी पड़ी हुई है। तो यहाँ पहाड़ों में फिर ये सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और इसकी वजह से अदर स्टेट से जो लोग आते हैं वो लोग बहुत बदनाम हो जाते हैं कि उनको गाड़ी चलानी नहीं आती है, स्पेशली जो दिल्ली से आता है वो। तो अभी हम लोग भी जब रास्ते से जब आ रहे थे अभी हम जा रहे हैं तो हम लोग को भी ना सब लोग को ऐसे घूर के देखते हैं अगर दिल्ली वाली नेम प्लेट होती है तो, कि कहाँ से आ गए हैं ये लोग पहाड़ों में ड्राइव करने के लिए। तो अगर आपने मेरा रामपुर टू चिटकुल व्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगी ये जगह, ये है करछम डैम और उस व्लॉग में मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ ही में अब हम इस रोड से लेंगे लेफ्ट साइड कट और ब्रिज क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे सांगला चिटकुल रोड की तरफ जो कि है हिमाचल का लास्ट विलेज। तो अब हमने चिटकुल वाला कट ले लिया है और ब्रिज क्रॉस करके अब हम आ गए हैं ऐसी रोड पे। तो अब यहाँ से रास्ता जो है बहुत नैरो हो चुका है और देखते हैं कैसे पास देंगे गाड़ी को, क्या करेंगे, सब कुछ डिपेंड करता है शिखर की ड्राइविंग में। अभी तक तो सही सलामत मुझे लेकर के आया है, होपफुली आगे भी सही सलामत ले जाए। और ये जो पीछे आपको मैंने डैम देखा था अगर आप लोगों ने पिछले व्लॉग में मेरे लास्ट व्लॉग में, करछम डैम है ये, तो उसी का ये रिजर्वॉयर।
तो गाइस, अब हमने जिस रोड में अपनी जर्नी स्टार्ट करी है वो है इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड। अगर आप लोग भी कभी गूगल करोगे तो आपको मोस्ट डेंजरस रोड्स में सांगला रोड का नाम ज़रूर दिखेगा। मेरे आने वाले वीडियो में मैं इस डेंजरस रोड का व्लॉग कंटिन्यू करूंगी और दिखाऊंगी कैसे हम सांगला रोड क्रॉस करते हुए पहुंचे चिटकुल, जो कि है हिमाचल का लास्ट विलेज। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना करो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।